क्या आप रेस्टोरेंट का व्यवसाय करना चाहते हैं पर समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कहां खोला जाए, किस तरीके से किया जाए? तो आज बिजनेस कहानी आपको यही बताने वाला है कि भारत में रेस्टोरेंट का बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। तो चलिए जानते हैं इन महत्वपूर्ण कदमों के बारे में। देखिए, किसी भी रेस्टोरेंट के व्यवसाय में प्रवेश करने और उसमें सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और पेशेंस की जरूरत होती है। इस क्षेत्र में कदम रखने से पहले खुद से यह सवाल जरूर करें कि क्या आप इस काम के प्रति पूरी तरह से तैयार हैं और इसमें अपना 100% योगदान दे सकते हैं। अगर जवाब हाँ में मिलता है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे कदम बढ़ाएं। सबसे पहले प्लान बनाएं। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपके पास एक ठोस प्लान होना चाहिए। अगर आप अपना रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले उससे संबंधित सभी जरूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसके अनुसार ही अपना प्लान बनाएं। तय करें कि आप किसी फेमस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेंगे या फिर अपना खुद का ही रेस्टोरेंट शुरू करेंगे। रेस्टोरेंट के स्टाइल का चुनाव करें। रेस्टोरेंट बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपके पास एक उपयुक्त फूड कंसेप्ट का होना जरूरी है। इसके लिए आप संसाधनों, स्थान एवं टारगेटेड कस्टमर्स की रुचि और उनके खर्च करने की क्षमता के आधार पर यह डिसाइड करें कि आप किस स्टाइल का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप फैमिली डाइनिंग, फास्ट फूड, पिज़्ज़ेरिया या स्थानीय व्यंजन जैसे विभिन्न विकल्पों में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। वैसे अगर आप किसी फेमस मॉल में रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो पिज़्ज़ेरिया अथवा फास्ट फूड रेस्टोरेंट सबसे बढ़िया चलने वाले विकल्प हैं। सही थीम, सजावट, मेनू और सर्विसिंग स्टाइल का चुनाव करें। एक बार जब आप यह निश्चित कर लें कि किस तरह का रेस्टोरेंट खोलना है तो उसके अनुसार ही उपयुक्त थीम, सजावट, मेनू और सर्विंग स्टाइल के तरीके का चुनाव करें। अगर आप चाहें तो इसके लिए परंपरागत तरीके से अलग हटकर कुछ नया, क्रिएटिव और अट्रैक्टिव तरीका भी अपना सकते हैं जो कि आपके कस्टमर के मन को भाए और उन्हें स्पेशल होने का अनुभव कराए। अपने खाने का मेनू बनाते समय यह ध्यान रखें कि आपके टारगेटेड कस्टमर को क्या पसंद है। आपके कॉम्पिटिटर्स अपने ग्राहकों को कौन सी डिश उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही यह भी पता कर लें कि जो व्यंजन आप चुन रहे हैं उसे बनाने के लिए किसी स्पेशल मशीनरी या स्पेशलिस्ट की जरूरत तो नहीं। रेस्टोरेंट के लिए आवश्यक रॉ फूड मटेरियल एवं दूसरे संसाधनों के सप्लायर्स का भी पता लगाएं और उनसे कॉन्टेक्ट करें। लागत की गणना करें। किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने से पहले उसमें आने वाले सभी खर्चों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस की स्थापना और उसको चलाने के लिए उसमें आने वाले खर्चों के लिए पर्याप्त पैसा होना जरूरी है। ऐसा ना होने पर आप अपने प्लान किए हुए तरीके से नहीं चल पाएंगे और आप अपने प्लान्स को सही तरीके से अमल में नहीं ला पाएंगे। इसलिए रेस्टोरेंट से जुड़े सभी तरह के खर्चों का पता लगाएं और उस हिसाब से प्लानिंग करें। बिजनेस प्लान बनाएं। बिजनेस चाहे कोई भी हो, उसकी स्थापना और उसे चलाने में बिजनेस प्लान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहने को तो यह महज एक दस्तावेज है, लेकिन यह दस्तावेज
आपके बिजनेस की नींव रखने से लेकर उसकी सफलता तक में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसलिए अगर आप रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करने की तैयारी में हैं, तो उसके लिए एक बिजनेस प्लान जरूर बनाएं। पैसों की व्यवस्था करें। आवश्यक पूंजी का हिसाब लगाने के बाद अपनी जमा पूंजी देखें और डिसाइड करें कि उसमें बात बनती है या नहीं। यदि बात नहीं बनती तो आपको बिजनेस के लिए पैसे जुटाने के विकल्पों पर विचार करना पड़ेगा, जिसमें बैंक से बिजनेस लोन, प्राइवेट एवं एंजल इन्वेस्टर का निवेश अथवा वेंचर कैपिटल का निवेश संभव हो सकता है। नए बिजनेसमैन को लोन देने में बैंक भी कभी कभी थोड़ा कतराते हैं, इसलिए बैंक या वित्तीय संस्थानों से ना सुनने के लिए तैयार रहें और अन्य इन्वेस्टर से भी संपर्क करें, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या रिश्तेदारों से मदद लेने की कोशिश करें। इसके अलावा अपने बिजनेस के लिए आप एक पार्टनर भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन पार्टनर का चुनाव बहुत सोच विचार के बाद ही करें, ताकि भविष्य में किसी मतभेद के कारण कोई परेशानी ना उठानी पड़े। रेस्टोरेंट शुरू करने के साथ साथ अगले 6 महीने तक उसे सही तरीके से चलाने के लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था पहले से करें। इसमें फूड आइटम, बिजली एवं पानी का बिल, कर्मचारियों की सैलरी तथा मेंटेनेंस आदि सभी खर्चों को जोड़ें। इसके अलावा कुछ पैसों को भी अलग बचाकर रखें, जो अनचाहे खर्चों को पूरा करने में काम आ सके। सही स्थान का चुनाव करें। रेस्टोरेंट की सफलता या फेलियर में उसकी लोकेशन यानी कि स्थान का बड़ा हाथ होता है, इसलिए ऐसे स्थान का चयन करें जो कानूनी रूप से बिजनेस गतिविधियों के लिए लीगल हो और साथ ही जहां अच्छी तादाद में भीड़ भाड़ भी रहती हो। उदाहरण के लिए मॉल, मेट्रो स्टेशन, बाजार आदि रेस्टोरेंट के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। अगर आपके पास पहले से ही ऐसे किसी मौके की जगह पर अपनी जमीन है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर ऐसा नहीं है तो आप किराए पर या लीज पर दुकान ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना और लाइसेंस एवं परमिट लेना है जरूरी। अपने रेस्टोरेंट का बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर किसी रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेने का प्लान है तो उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया को भी पहले ही पूरा करें। रेस्टोरेंट शुरू करने से पहले अपने एरिया में इससे रिलेटेड लोकल गवर्नमेंट ऑफिस से जरूरी लाइसेंस एवं परमिट प्राप्त कर लें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI में रजिस्ट्रेशन कराएं और लाइसेंस प्राप्त कर लें। हेल्थ इंस्पेक्टर को अपने रेस्टोरेंट का निरीक्षण करने के लिए इनवाइट करें। जरूरी संसाधन जुटाएं। एक बार सभी कानूनी काम हो जाने के बाद सभी तरह के जरूरी संसाधन जुटाएं। रेस्टोरेंट की जरूरत और अपने बजट के अनुसार पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति करें। ध्यान रखें कि आपके खाने और कस्टमर सर्विस में किसी तरह की कमी ना हो, क्योंकि रेस्टोरेंट की सफलता के लिए आपके कस्टमर की संतुष्टि सबसे अधिक मायने रखती है। अपने रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करें। जो दिखता है वो बिकता है, इस बात पर अमल करें। अपने बजट के अनुसार ही अपने रेस्टोरेंट का सोशल मीडिया, अखबारों, पैम्पलेट्स अथवा रेडियो विज्ञापनों आदि विभिन्न तरीकों द्वारा प्रचार करें। रेस्टोरेंट के उद्घाटन में किसी फेमस व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट करें, साथ ही अपने प्रियजनों के अतिरिक्त कुछ स्थानीय लोगों को भी कार्यक्रम में शामिल करें। अगर आप होम डिलीवरी की सुविधा दे रहे हैं तो फूड पांडा, जोमैटो और स्विगी जैसे लोकप्रिय फूड डिलीवरी एप्स के साथ हाथ मिलाएं।
इससे ग्राहकों तक आपकी पहुंच बढ़ेगी। कस्टमर के फीडबैक पर गौर करें, अपने कस्टमर के फीडबैक पर जरूर गौर करें। समय समय पर अपने कस्टमर से बात करते रहें, इससे आपको उनकी पसंद नापसंद का पता चलेगा, उनकी एक्सपेक्टेशंस को आप अच्छे से जान पाएंगे, इससे आप उन्हें बेहतर सेवा दे सकेंगे। हम आशा करते हैं कि इन जानकारी के साथ आप अपने रेस्टोरेंट खोलने का सपना जरूर पूरा कर पाएंगे। और जानकारी के लिए आप बिजनेस कहानी की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं और हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमें फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करें।